हाय गाइस, मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ चाय बनाना। बहुत ही आपने सभी घरों में चाय देखी होगी, सभी में अलग अलग स्वाद होता है। भारत में चाय बहुत ही बड़े लेवल पे पी जाती है। अब सबसे अच्छी चाय बनाने के लिए जो मेरा तरीका है, इसे पानी थोड़ा गर्म करें, उसके बाद हम गर्मी हो तो सौंफ डाल लें जिससे चाय ठंडी होगी, और सर्दी में थोड़ी अदरक, इलायची, काली मिर्च जरूर डालें, इससे चाय का स्वाद बढ़ता है और सर्दी खांसी जुकाम में काम आती है। और सबसे चाय साइंटिफिक से बनाने के लिए सबसे पहले हम अदरक, काली मिर्च और इलायची कुटी हुई डालेंगे, जिससे इसका मॉइस्चर है ना बहुत अच्छा निकलता है। इसका एक तरीका है चाय बनाने का, मतलब अदरक ये पहले डालने का। अब इसे हम 2 मिनट के लिए खौलने देंगे। खौलने का पीछे का रीजन एक अलग है, जिससे चाय इसका मॉइस्चर पहले ही निकल के आ जाता है, जिससे चाय में टेस्ट इसका अलग ही आता है, बहुत ही मस्त। अब इसे हम हल्की आंच पे, मतलब फुल आंच पे पहले खौलाइए, जिससे ये अच्छा सा उफाना है। आप अगर ठंडे पानी में अदरक को डाल देंगे तो ये कड़वापन देगी, इसलिए हमेशा गर्म पानी में, उबलते हुए पानी में डालें, और चाय एकदम कड़क और शानदार बनेगी, बिल्कुल होटल के जैसी। हाय गाइस, अभी ये देखिए पानी भी कलर छोड़ गया है अपना, हल्का सा पानी अपना कलर छोड़ जाए, ये देखिए नीला नीला सा होने लगा, हल्का पीला, इससे आपको पता चलेगा हाँ अदरक का टेस्ट आने वाला है, बहुत ही अच्छा। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चाय की पत्ती। चाय की पत्ती का एक समय होता है डालने का। चाय की पत्ती के साथ ही साथ आप इसमें चीनी भी ऐड करिए, चीनी साथ में ही ऐड करिए, बाद में चीनी का स्वाद अलग हो जाता है, ये पत्ती के साथ ही चीनी ऐड करनी चाहिए, जिससे इसका मॉइस्चर चाय की पत्ती का बहुत ही अच्छा निकलता है। अब इसे हम खोलने देंगे, 1 मिनट तक पकाइए इसे, इसका भी बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा चीनी का, और चाय की पत्ती का कलर देखिए दोस्तों कैसा चेंज हो गया, एकदम मस्त, बहुत ही शानदार कलर चेंज। अब इसे हम हल्की आंच पे पकाएंगे, पहले हम लो फ्लेम पे पलाएंगे। हाय गाइस, देखिए इसमें उफान अच्छे से आ रहा है और कलर भी बहुत चेंज हो गया है, ये देखिए। अब इसमें हम ऐड करेंगे दूध, आपके घर का जो भी हो दूध वही ऐड करें, कोई एक्स्ट्रा दूध नहीं है, क्योंकि आप दूध के लिए ना थोड़ा पहले ही से निकाल के रखें फ्रिज से, जिससे दूध में जो मलाई और जो क्रीम होती है ना वो अलग ना हो, उसके अलग होने से टेस्ट अलग हो जाता है, ये अलग आ जाता है, और जो हल्की सी पापड़ी सी बन जाती है वो बहुत ही अच्छी नहीं लगती। मतलब चाय का कलर देखिए एकदम होटल जैसा कलर आ रहा है। इसे थोड़ी देर के लिए हम लो फ्लेम पे गर्म होने देंगे। हाय गाइस, ये देखिए क्या मस्त तूफान आ रहा है चाय में, ये आहा क्या सुगंध आ रही है। हमेशा इस चाय को चलाते रहें जिससे इसमें कड़कपन ना आए, बहुत ही शानदार चाय बन रही है। आप सभी परिवार का टेस्ट अलग अलग होता है, ये देखिए एकदम चाय का अलग स्वाद। अब इसे हम गैस बंद करेंगे, अब आपको दिखाएंगे चाय निकालेंगे, ये देखिए हम इसे चाय के लिए छलनी से छानेंगे, क्या शानदार चाय बनी, खुशबू तो गजब की आ रही है। ये देखिए बिल्कुल ढाबे के स्टाइल में चाय हमारी, ये कड़कपन, और इसमें हम थोड़ी सी मलाई ऐड करेंगे, हाँ इससे चाय का और ही शानदार आ जाएगा। अब इसे चुस्की भरे लियाज में पी जाइए, बहुत ही शानदार चाय, अब हम पीने को रेडी।